अपने बच्चों को कैसे पैम्परेशन वर्ड में आई मीन पालती है पैरेटल स्टोरीज एंड ऑल बच्चे ब्राइट कलर स्केच करते हैं मतलब फर्स्ट बेबी कैसे अपने माँ के साथ कितने दिन अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है दिस ऑन द बेस ऑन दिस पेंटिंग एंड दैट्स इट. व्हाट अबाउट मनमोहन देसवाल के बारे में जिन्होंने किया है. हाँ जी इज अ नाइस पर्सन उनके थ्रू मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला सो दिस अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू ग्रेट टू मी तो कल्पवृक्ष किस तरह हमारा मन शक्ति है हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं हम कैसे खुद उसको पूरी कर सकते हैं एंड जो ये रूट्स हैं ये सब शिव जी के हेयर हैं अवर स्पाइन अवर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस हम किस तरह उनको पा सकते हैं या नाश्वर आपको सब तो जानते हैं शिव जी के आधा हाफ आदि एंड देन इज ऑल्सो कल्पवृक्ष अबाउट द फाइव एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ तो वही इज वेरी आर्ट है. मनमोहन जी बहुत ही अच्छे हैं वो हम सब आर्टिस्ट को यहाँ जोड़ के लाते हैं और वो बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन रखते हैं थैंक्स टू हिम कि हम आर्टिस्ट को अपनी आर्ट एग्जीबिट करने का एक अच्छा अवसर मिलता है ताकि हम प्रॉपरली अपनी आर्ट को शोकेस कर सकें. थैंक यू जी. मेरा नाम आर्टिस्ट जय बारर है मैं गुजरात भावनगर से हूँ. मेरे जो यहाँ पे पेंटिंग है वो अभी एग्जीबिट किए हैं मैंने मनमोहन जायसवाल जी के एग्जीबिशन में अनुभूति आर्ट एग्जीबिशन है तो यह हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अभी इसके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया. ये मेरा पेंटिंग है जो लायन है लायन का मैंने पेंटिंग बनाया है उसके अंदर मैंने गुजरात का मैप किया है मैपिंग किया है जो अभी लायन आप देख रहे हो ना तो वो लायन गुजरात में गीर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से. और ये दूसरा मेरा एक पेंटिंग है वो भावनगर के आई के ऊपर है जिसमें मैंने भावनगर का एक तख्तेश्वर मंदिर है वो मैंने दिखाया है अंदर और मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क है और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे मुंबई में आके और पेंटिंग एग्जीबिशन करते हुए. थैंक यू धन्यवाद. आपका नाम बताइए पहले और आपकी पेंटिंग में बताइए. अच्छा मेरा नाम है तेजश्री गणेश वाग और ये है गणपति का मेरा एक्चुअली फर्स्ट एग्जीबिशन है सो मैंने मेरा अपना एग्जीबिशन गणपति के पेंटिंग से स्टार्ट किया और फिर ये फ्लावर्स का बनाया मैंने और यहाँ पे ये सीनरी का क्या पेंटिंग में क्या क्या है मेरी पेंटिंग में एक्चुअली मेरे को ये मेटेलिक लुक देना था मतलब मैं ऐसे पेंटिंग्स बनाती हूँ जो पेंटिंग से बाहर निकल आए और अपन को फील हो सके ऐसे वाले. व्हाट अबाउट मनमोहन जी के बारे में. सर मनमोहन जी सर तो बहुत मतलब ग्रेट है उन्होंने ही अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को सो थैंक यू. कैसे मैं कैसे रुचि आपकी है या क्या करना. हाँ मतलब बचपन से ही हॉबी है मेरी ये सो बचपन से ही करते आ रही हूँ अभी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी एग्जीबिशन की इसलिए फिर मैं अभी फर्स्ट टाइम बताया. My name is Vinny Kapoor and I'm a blooming artist and all these paintings are in sync with the theme colors of spring. As you see all are very colorful and these paintings are not just worldly pieces embellishing the walls but their souls are speaking through strokes. Look camera. Look, forming look. The waves of water here, forming the waves of water here, capturing fragrance in air, you know, which is intimacy with jovial blooms here, to transformation phase of an adult butterfly, having gone through erratic emotions in adolescence, and to finally seeking serenity in teal water, reflections perched
in countryside boat, beholding parachutes and the rainbow in the backdrop. So these, all these paintings, though they look different, they all are in sync with colors of spring. And they are very contemporary, and there are a lot of textures on these if you look at them carefully. If you touch them, I hope one of the cameramen, I can allow him to touch. If you touch it here and see the textures. So they all are highlighted, and the medium used is varied. It's resin as well. So there's a lot of experimentation and rebirth of new ideas, and it gives a lot of satisfaction to do all these. What about Manmohan sir? And we are very, very thankful to Manmohan ji. He is a great connoisseur of art, you know. And he is just encouraging and sustaining all artists, blooming and the bloomed artists, you know. Thank you so much. क्या कुछ कहेंगे अपनी पेंटिंग के बारे में? मैंने चाइनीज़म हिंदी 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 मैं हिंदी अच्छा या सेंटर लुक कैमरा जिग्ना शाह आई एम फ्रॉम अहमदाबाद. एक्चुअली मैंने पूरा जैनिज़म के ऊपर मेरे तीन पेंटिंग की सीरीज़ बनाई है. ये पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू नॉर्मल पर्सन टू अ तीर्थंकर, तो जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, स्टिल ही इज़ इन द पोजिशन ऑफ मेडिटेशन, कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है बाहर के साथ जो भी हो रहा है. ही इज़ ओनली फाउंडिंग इनर सेल्फ, राइट. सेकेंड वन, इनका ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट इनको पूरा जो भी परेशान करता है, तो इन दिस पेंटिंग वो पूरा नॉर्मल हो जाता है बिकॉज इनको कुछ नहीं हो रहा है. और ये एक यक्ष है जो उनकी रक्षा के लिए है, तो ये पूरा एलिफेंट इनके चरणों में वो फूल वगैरह रखता है. एंड दिस इज़ अ थर्ड पेंटिंग जो पूरा उनका जर्नी बताता है आफ्टर दीक्षा, कि वो जंगल में कैसे रहे और कैसे उन्होंने ये जर्नी पूरा किया. मनमोहन सर, एक्चुअली यस, उन्होंने उनके जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह है या उनके जो भी बॉम्बे में उनकी जो प्रेस्टीज है, उसकी वजह से आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जिबिशन बिकॉज आई डोंट नो मच मोर फॉर हिम. दैट्स ऑल. एंड द फोर्थ वन इज माय हेरिटेज डोर, वो वहाँ पे है. बोल दिया ऐसे, बोल दिया मैं मानो कॉल कर लेंगे. ओके, वो हेरिटेज डोर जो अहमदाबाद सिटी, जो हेरिटेज सिटी है ना, तो उनके जो दरवाजे होते हैं पोल में, तो उसका मैंने क्ले वर्क किया हुआ है, 3D वर्क. थैंक यू सर. लाइट के सेंटर जी जी या ओके सर. थैंक यू सर. मेरा नाम है प्रियेश दत्त मालविया. बेसिकली मैं भोपाल MP से हूँ. मैं आजकल मैं बॉम्बे सेटल हो गया, खपोली एरिया में रहता हूँ. मैं वहाँ मैंने अपना स्टूडियो बनाया. मैं यहाँ पर कुछ गिफ्ट्स में कोई स्कल्पचर लाया हूँ मैं, जो नेचर ने मुझे दिए हैं, और उसको कुछ नज़र से मैंने उसको तराशा है और अपना काम प्रस्तुत कर रहा हूँ. अब क्या कहेंगे, मनमोहन जी ने रखा है क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, उन्होंने जब मेरे स्कल्पचर देखे तो उन्होंने मुझे स्पेशल स्थान दिया और कहा आइए आप एग्जीबिशन लगाइए. ये मुंबई में मेरा पहला शो है, देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है. थैंक यू. ओके सर, आप आए. मैं विशाल हरिश्चंद्र देवरुखकर, मैंने जे से किया हुआ है. मेरे 5 पेंटिंग्स ये एग्जीबिशन में लगे हुए हैं. इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन आर्किटेक्चर और जो नोमैडिक ट्राइब्स है बेसिकली उसके ऊपर मेरे पेंटिंग्स है. और योगेश्वर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है, तो 600 AD में तो प्रोग्रेस हुआ अपना, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की. इसके बारे में बस. एंड आई डू माय वर्क फ्रॉम किरण टेंपल आर्ट्स. किरण टेंपल आर्ट्स चापल पेंटिंग है ये स्पेशली, और इट्स डिपेक्टिंग लव, प्योर आर्ट ऑफ लव, और म्यूजिक के थ्रू लव जा रहे हैं वहाँ पे. तो इंसान को समझना चाहिए म्यूजिक से लव भी बढ़ता है. एक और ये वाला है चापल पेंटिंग, मल्टी मीडिया मिक्स, और ब्लिस है, थ्रोन ऑफ ब्लिस. जो भी ये पेंटिंग अपने घर लगाए उनकी जिंदगी में खुशी आ जाएगी. फिल योर लाइफ विद एंटी वर्ड, फिल योर एम्प्टी वर्ड्स विद लॉट ऑफ लव ऑफ आर्ट ऑफ सोल, सोल ऑफ आर्ट. मतलब राधा कृष्णा जितना प्यार कोई नहीं कर सकता. बिल्कुल, अपने घर में प्यार ना रहे तो राधा कृष्णा बना कृष्णा. रोलिंग स्टार रोल. माय नेम इज़ अमृता एंड माय आर्टिस्ट नेम इज़ एमसी. मैं बॉम्बे से ही हूँ और मेरा आर्ट पेज विस्परिंग वॉल्स के नाम पे है सोशल मीडिया पे. ये चारों मेरी पेंटिंग्स है जो
अभी तक मैंने कोई एक फॉर्म नहीं किया है. दिस इज़ लाइक सेवन चक्रास अमेज राइज अबव द केओस. ये क्वारंटाइन टाइम पे बनाया था. राइज अबव ऑल दी हर्ली बर्ली नेवर एंडिंग एक्टिविटीज़ अपना जो लाइफ में होता था उसके ऊपर से उठ के अपने ड्रीम लैंड पे जाइए. ये ब्लेज ऑफ ग्लोरी है. अग्नि एलिमेंट जो होता है वास्तु का. सो इट इज़ लाइक फायर एशेज बर्न आउट होते हैं. सिमिलरली अपने लाइफ में भी वैसा ही होता है. जस्ट लिव योर लाइफ लीविंग योर सोरोज बिहाइंड. सेवन चक्रास तो आपको पता है कैसे होता है. सेवन चक्रास अपने बॉडी को अलाइन करता है. सो इट इज़ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर मनमोहन देसाई. नहीं सॉरी मनमोहन जायसवाल. वेरी सॉरी. सो दिस इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड द एग्जिबिशन इज़ ऑन टिल 26. सो प्लीज डू विजिट एंड हैव अ वंडरफुल आर्टिस्ट ऑल ओवर हियर एंड लुक ऑल द पेंटिंग्स एंड वॉच इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. आई सर्च माय प्रोफेशन. आता आपण महाराष्ट्रात राहतो, तुम्ही आता मराठीमध्ये बोला. बोला मराठी. बोला. चालेल चालेल. लहानपणापासून आय वॉज इंटरेस्टेड इन आर्ट. ते फेमस एक आर्टिस्ट होते एम आर आचरेकर. अट द एज ऑफ 5 आय वॉज यू नो अटेंडिंग हिज क्लासेस अँड आय वन एन एक्झिबिशन एट द जहांगीर आर्ट गॅलरी वे आय डिस्प्लेड अ पेंटिंग विच आय कॉल माय होम. त्याच्यानंतर शाळेमध्ये तर खूप असं मॅप्स अँड ज्योग्रफी अँड ऑल, बट आय हॅव नॉट रिअली अटेंडेड एनी क्लासेस. आय एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. आणि 30 वर्षांनंतर 2000 मी असे पुढे पेंटिंग्स केले. बट आता मला आता मागच्या महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये मनमोहन जयस्वालनी मला इन्व्हाइट केलं. तिथे त्यांची ओळख आली. अ फ्रेंड ऑफ माइन इंट्रोड्यूस मी टू हिम. And I displayed some of my paintings by default. The, I'm more interested in heads, you know, something related to the human body. Yes. Now this painting of mine, I was inspired by a photograph in a magazine. There was an article on phobias. Aplala various phobias as that, fear of heights, fear of being in an enclosed space. The eye sort of, you know, I developed my own ideas and I made this painting. It's like a fetus in a confined space and I've called it introspection. This other one, I'm fond of heads. But this is, I've called it moksha. It's kind of a liberation. Many girls nowadays, they suffer acid burns due to jhaad and all that. So then they, after that, they come out of it. They're liberated. And this one is an abstract. I love to do abstract. I don't know how each, I mean, the painting evolves. I don't decide. मतलब पहला क्वेश्चन में decide नहीं करते कि मैं काय पेंट करते. The painting just evolves as I start painting. Oh, wow. So different people see it as something else. Mm. Now this I see as figures in a rain with a small dog out here. Yeah. Mm-hmm. So I mean, I hope to do. Now I'm sort of, I'm really thrilled about displaying, and Mr. Jaiswal has invited me, and I'm really happy. अरे ना है आपने चलो start या लोग मेरा नाम तरु मेहता है और मैं बचपन से पेंटिंग बनाती आ रही हूँ. जस्ट ए हॉबी. मैंने कभी प्रोफेशनल नहीं किया है. बट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट एंड डिस्प्ले माई आर्ट. एंड आई लव पेंटिंग. आई लव कलर्स एंड आई लव हैप्पी फीलिंग. पेंटिंग क्या बनाया. दिस इज अ फिश. आई एम ए पर्सन एंड आई कनेक्ट विद दिस. सो आई मेड दिस डांसिंग फिश. And these are the flowing colors and some energy in that, positive energy, which I feel everywhere around myself during my holidays, during my journey of life. I feel happy and I do happy colors. Thank you. Okay, thank you. Yeah, my name is Sheetal. I am an artist and I am doing oil paintings 7 months back. And I have this is my one of my best painting. This is a tsunami. And my daughter is also doing painting. So she is just 10 years old and she is doing paintings since 1 year. Say about this is a
painting about Radha playing the guitar. And if you look properly, then you can see Krishna. Wow. Yeah, this one is one of her best paintings. This one is abstract. And sees Radha. If you can see this one is Radha and one, Krishna is playing tabla. And that is also my painting. It's about the Greek goddess. She's the goddess of the forest. Thank you. Hi. मैं भी एक artist हूँ और आज मनमोहन जी ने जो सब artist को एक stage दिया है बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत beautiful paintings है और सब art में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है कि ऐसे लग रहा है कि वेरी ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा आर्ट किया है वेरी ब्यूटीफुल और मनमोहन जी को खास कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ कि सब आर्टिस्ट को एक स्टेज पे उन्होंने साथ में खड़ा किया है. Hi, my name is Nisha Gupta. I have just founded an art council, a South Asian art council, and I have worked in London in the art gallery. I've studied from Sotheby's London. And today Jaiswal ji has followed me and I think he has done a brilliant job with all the artists. Getting so many artists on one platform is not easy. And especially the type of artists that he has got, sab ek se ek different, sab ek se ek unique. And getting on one stage is I think not a very easy job. So I would like to congratulate him and hopefully hum saath mein ek din kaam kare, Indian art ko internationally lekar jaye, sabki sahayata se. So looking forward to that. I am Snehal Basunda, the president of the Indo-US Cultural Council. They say that a picture is worth 1,000 words, but not all words constitute poetry. So I should congratulate Mr. Manmohan Jaiswal because today this exhibition is like a collection of poetry. Congratulations to all the artists as well. Congratulations to Manmohan ji. I love the way he puts all the artists together and he gives platform to these upcoming artists. He's got this art of choosing artists and giving them space and importance and a platform is very important in this day and age. And as my friend rightly said, a picture can say a million words. So every artist is so different. Meaning we have all this art. I do collect a bit of art and you know, not that much from what I've learned a lot from all the art exhibitions Manmohan ji has put together and I wish him all the very best. Congratulations, and he's a beautiful human being. This is all social work by giving, you know, a platform, you know, for upcoming artists. They need this and I wish him all the very best. Thank you. Thanks for always having me here. सर बोलो कुछ कहेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में आप. मनमोहन जायसवाल ने काफ़ी तारीफें कर के अच्छा एग्जीबिशन रखा है. नाम दिया है अनुभूति. तो जो पेंटर और जो कलाकृति होती है उनकी जो अनुभूति है उसको उन्होंने दिल से बाहर निकाल के पेंटिंग शोरूम में रखा है और नए नए कलाकारों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है. खास करके मैंने बहुत सारे पेंटिंग दी, सब ने अपनी अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पेंटिंग की है. बट मैं आज खास बोलना चाहूँगा एक यंगेस्ट जो एक 11 साल की बच्ची है उसके लिए प्राकृति केसरी करती. तो उन्होंने भी अपनी मेहनत से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है. उनकी मदर है जो शीतल केसरी जी, वो खुद भी एक फैशन डिजाइनर में से एक पेंटिंग की प्रेरणा हुई तो वो भी अच्छी पेंटिंग बना रहे. तो कलाकृति की जो देवी है उन्होंने उनका खास आशीर्वाद रखा है. मैं सारे लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ पे एज अ स्पेशल गेस्ट बुलाने के लिए मनमोहन जायसवाल जी को दिल से धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच सर. मेरा नाम अनिल खान है. कला से तो मुझे बहुत ही प्यार है बचपन से, शायद इसीलिए मैं स्टेट में हूँ. लेकिन फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ही एग्जीबिशन में आया, वो भी मनमोहन
उनके प्यार ने मुझे खिलाया, उन्होंने कई बार मुझे ड्राइंग किया कई जगह पर, मेरे पास वक्त नहीं होता था तो नहीं आ सकते, इस बार राजा था राजा में काम नहीं करता भी होता हूँ इंतजार का हूँ और आगे मुझे खुशी हुई पेंटिंग को मैंने तरफ देखी तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यंग जनरेशन और खास करके खुशी का बढ़ने की सभी को अच्छा लगा और लोग भी ऐसे ही काम करें और ऐसे ही एग्जीबिशन रखे जाएं ताकि लोग आएँ देखें और पेंटिंग्स खरीदें, सिर्फ देखें नहीं, अगर खरीदेंगे तो उन लोगों का बहुत मनोबल बढ़ेगा और जो खरीदेंगे वो अपने बेडरूम में अपने ड्राइंग रूम में लगाएंगे तो वो भी आते जाते देखेंगे तो उनको भी लगा कि नहीं कुछ हो रहा है, हमें भी कुछ करना है और ऐसे लोगों को उससे प्रोत्साहन भी मिलता है और हमें ये काम करना चाहिए, हमारे सारे लोग जितने मेच्योर लोग हैं उनको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तभी हमारी यंग जनरेशन आगे आएगी, उनकी हिम्मत और बढ़ेगी आगे और अच्छा काम करेंगे, तो सब मिला के बस ये है कि अच्छा लगा और उनकी कोशिश की है, कई बार मैं गुलजार साहब को भी पेंटिंग बना के दी है जो मेरे गुरु हैं, कई बार गुलजार साहब को असिस्ट कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे बताया था फोटोग्राफ भेजे थे कि गुलजार साहब की तस्वीर बना के उन्हें भेंट करी और गुलजार साहब भी बहुत खुश हुए, वहाँ भी अच्छा काम करते वहाँ भी चाहिए उनका बहुत बहुत My name is Prakriti and I make paintings. I make realistic paintings and digital paintings too. One of my best one is the Rana playing the guitar and the Krishna playing the tabla. नाम लीला गजरा है, मैं भूमि के व्यवसाय से जुड़ी हूँ, एक्चुअल होम मेकर हूँ, मनमोहन जी के साथ काफ़ी समय से जुड़ी हुई और ये जो सब आर्टिस्टों को ये प्रोत्साहित कर रही सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब आज मैंने इतनी छोटी बच्ची को देखी, इतनी 11 साल की बच्ची को भी उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, तो आगे भी ऐसा काम करते रहे ऐसी मेरी बहुत शुक्रिया। अनुभूति मीन्स एक तो अनुभूति अपने युवावस्था में प्रदर्शन कर रही है, सबसे बड़ी बात है ये मनमोहन जी की 18वीं प्रदर्शनी है जो उन्होंने चित्रकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो बहुत बड़ी बात है और इसका नाम मुझे बड़ा सुंदर रखा अनुभूति, क्योंकि इंसान जब अपने अंदर अनुभूति महसूस करता है तब या तो कविता लिखता है या वो पेंटिंग बनाता है या कुछ भी कार्य, बिना अनुभूति के वो काम ऐसा होता है जैसे कि हमारे हम शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है, तो ये अनुभूति जिसे मैंने देखी कि यहाँ पर जितनी भी चित्रकला है बहुत ही सुंदर है, लोगों ने अपने मन से एक एक चित्र को जिस ढंग से बनाया है और हो सकता है कि जिस समय वो बना रहे थे वो सोच कुछ रहे थे लेकिन उनमें से निकलता कुछ और है, क्योंकि यही एक कलाकार की निशानी होती है कि वो हमेशा अपने विचारों में गुम रहता है। एक कवि हो आप, इस पेंटिंग को लेकर कोई कविता याद आ रही कुछ? चार लाइनें बोलिए कि मोहक मधुर सुंदर चित्र कला से मन को लुभाए हो, इस प्रांगण में बैठे लोगों पर जादू चलाए हो, बौद्धिक कलाओं से भी हंसा ये आंगन है और सभी कलाकारों की इस कला को मेरा अभिवादन है, मेरा अभिवादन है। मनमोहन जी के इस कार्य को क्या क्या कहेंगे आप, ये जो कार्य करते हैं? ये बॉस मतलब एक सुंदर कार्य कि हम में से हर इंसान का एक कर्तव्य होता है कि हमारे पास जो कुछ है उसको हम समाज को दें, अगर हम प्रतिभा को बाहर लाने में सक्षम हैं और हम प्रतिभा को बाहर लाएं तो ये समाज के प्रति एक छोटा सा ऋण चुकाने की हम कोशिश करते हैं। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके अंदर आपको कुकिंग आता है, आपको सिंगिंग आता है, आपको नृत्य आता है तो कोशिश करें कि अपने आस पास वाले लोगों को आप सिखा सकें। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि मीन्स पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हमारी कला को हम दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों तक ले जाएं। तो मनमोहन जी ने भी कि कितने कलाकार छुपे हुए थे, तो इन्होंने जब से पेंटिंग का ये शुरू किया है तब से कितने कलाकार बाहर आए हैं, तो हम ये बहुत बड़ी बात है समाज के लिए और मैं चाहूँगी कि हम मनमोहन जी के लिए एक बार तालियाँ बजाएं कि इन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर आयोजन करते हैं और एक ही मंच पर इतने सारे लोगों को मिलाना ये भी बहुत बड़ी बात है, हम समाज को आपस में जोड़ रहे हैं।
और ज़रूरत है कि आज हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ें, हमारे देश को जो कि हमारे मोदी जी कर ही रहे हैं विश्व गुरु की तरफ ले जा रहे हैं, तो हम सब उनका इसमें सहयोग करें और हमारा देश, मैं कहती हूँ 2023 में विश्व गुरु जरूर बनेगा। जी मनमोहन सर, आप क्या कहेंगे सर इस मिशन के बारे में, कैसे सोचा और 18 साल हो गए आपको सहानुभूति के बारे में? हाँ, तो नहीं 18 साल नहीं, मैं 13 साल में, बट ये 18वां एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इस बार भी 2-3 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार प्रदर्शनी लगाई है। एक स्वरूप डॉक्टर हैं जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनकी हॉस्पिटल है, बट वो अब करीबन 70 ईयर हो गए, बट उन्होंने कभी डिस्प्ले नहीं किया था। मुझे एक बार उषा मंगेशकर जी ने बुलाया था, उन्होंने बोला मैंने ज़िंदगी में पेंटिंग बहुत बनाया बट एक भी एग्जीबिशन नहीं किया, क्योंकि उनको सिंगिंग कैरियर भी था। तो उनको भी हम एक बार सोचे बट उनके साथ नहीं कर सके। एक लड़की है यहाँ पे प्रकृति, है तो लड़की 12-13-14 साल की, बट वो ऐसा क्रिएशन करती है कि हमने उनको पहली बार रिप्रेजेंट किया। और एक और आर्टिस्ट है, वो भी करीबन 40 साल से पेंटिंग कर रहे थे बट कभी डिस्प्ले नहीं किए थे। तो एक महिलाओं का, क्योंकि घर का दायित्व भी होता है, तो वो अपने जो भी कला है, नृत्य हो, डांस हो, पेंटिंग हो, उसको आगे नहीं ला पाते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं। और लोगों के सहयोग से 18वां हमारा ये सफल रहा। इसमें 35 अलग अलग आर्टिस्ट हैं, इंडिया से भी हैं, पोलैंड से भी हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया से भी एक आर्टिस्ट हैं। मीडिया का भी सहयोग रहता है। नहीं, मेरा टाइटल करीबन 10 साल से कलर ऑफ स्प्रिंग रहा है। कलर ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि जब वसंत ऋतु आता है तो पेड़ों में नई पत्ते आते हैं, तो वो नेचर कलर करता है चीज़ों को अपने रंगों से। तो आर्टिस्ट जब कुछ भी क्रिएट करता है तो उसका एक अलग भावदशा होता है। जैसे वसंत में अपने आप एक नए पत्ते आते हैं, तो ऐसे ही आर्टिस्ट कुछ क्रिएट करता है। मगर इस बार अनुभूति मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि जैसा इन्होंने मधुबाबी ने कहा कि जब तक आदमी भाव से विभोर नहीं होता तब तक वो क्रिएशन शुरू नहीं करता है। और एक आर्टिस्ट ऑलवेज बहुत थिंकर होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है, तो ये अनुभूति नाम रखने के पीछे लिए होता है। और जो है आपके साथ एक घुटना हो गया, हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा वेबसाइट है, हमारा पूरा टीम है, हम तो करते रहते हैं। ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं इंडिया में, अबाउट 50% आर्टिस्ट मुझे जानते हैं। हम एक बहुत बड़े लेवल पे किसी बड़े ग्राउंड में, जहाँ पे 2-4 हज़ार आर्टिस्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ डांस भी रखें, वहाँ पे इनॉग्रल रोज कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ रखें, तो ऐसा कोई आर्ट फेयर करना मैं चाहता हूँ। और फिजिकली लोग नहीं आ पाते, बम्बई में भी बहुत सारे लोग व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम जितना ज़्यादा डिजिटल होंगे उतना ज़्यादा हमारी रीच, हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। 10 साल लड़की अपनी पेंटिंग बनाई और कुछ आपको समझ देते क्या कुछ कहते लोग सीनियर जूनियर बोलते हैं, बट मैं कभी नहीं सोचता कि कोई सीनियर है। अगर कोई सीनियर है जिनकी पेंटिंग 10 करोड़ में बिकती है, वो भी उतना ही इमोशन, उतना ही टाइम, उतना ही मटेरियल लगाते हैं। तो कोई भी हॉबी आर्टिस्ट नहीं होता मेरे नज़र में, पर एकेडमी कैंपस में एक सेम ही ज्ञान सबको मिलता है, मगर सबकी अपनी जो अभिव्यक्ति है वो अलग है, जिसको कोई कहीं चला जाता है तो वैसा है। तो मेरे लिए कोई सीनियर जो, मेरे कलाकार सिर्फ कलाकार होता है। कोई एक्टर होगा 45 करोड़ लेता होगा, कोई थिएटर में 3 घंटे का एक्टिंग करके 10,000 उसको मिलता होगा, मेरे नज़र में दोनों का सम्मान सेम ही है। फेमस होना अलग है। बहुत बढ़िया। अरे सर, मनमोहन जी, मनमोहन जायसवाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कॉन्ग्रेचुलेट करना बोलना चाहूँगा। अनुभूति ये एग्जीबिशन का नाम है, ये उनका 18वां एग्जीबिशन है। मनमोहन जी 13 साल से पेंटर को, कलाकार को प्लेटफॉर्म देते हैं, और मैं देखता हूँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो भी कलाकार हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबको प्लेटफॉर्म देते हैं, और ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं बार बार। तो इस तरह से जो काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत दिल से, मैं उनको, मेरे ब्लेसिंग से उनको, और मैं इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग एक पेंटिंग का एग्जीबिशन, पेंटिंग का एक अवार्ड फंक्शन करने जा रहे हैं, तो मेरे अंदर अभी ये ख्याल आ रहा है कि मैं 100% ये कोशिश करूँगा, और वही हो गया है क्योंकि प्रेसिडेंट उसका मनमोहन सिंह जी को इस पेंटिंग अवार्ड जो होने जाने वाला है, उसको मैं, हम लोग उसको सम्मानित करेंगे अवार्ड देकर। क्या बात है। और ये हमारा फर्ज है कि ये निस्वार्थ है, ये मनमोहन जायसवाल निस्वार्थ व्यक्ति है, तो ऐसे लोग को पेंटिंग का अवार्ड दे के हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग। तो ये मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नहीं राजा सर कहेंगे सर आज की जगह इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं मनमोहन जी को बहुत बहुत उनका शुभकामनाएं उनको देता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और सबसे बड़ी बात है इनका नाम है मनमोहन। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से दूर से व्यक्ति को खींच लेते हैं। मैं भी 50 किलोमीटर दूर से अभी सफ़र करके आया हूँ और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। पेंटिंग देख रहा था तो मुझे अंदर से अपना कलाकार निकल रहा था, काश मैं भी कर पाता लेकिन शायद इतना नहीं हो पाया कभी। और मैं पेंटिंग से ज़्यादा जो जिन्होंने पेंटिंग बनाई है उनसे मिलने का प्रयास कर रहा था कि जो पेंटिंग बना सकता है इतनी प्यारी, इतना दिल से निकाला होगा तो वो दिल से कितने प्यारे हैं। तो मुझे दो तीन लोगों से भी फिलहाल मिला हूँ और काफ़ी लोगों से मिलने का प्रयास करूँगा। और ये जो कार्यक्रम मनोज जी रखा है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम बहुत बड़ा एग्जीबिशन करेंगे, तो सच में आज 20 लोगों को मौका मिल रहा है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको मंच नहीं मिल रहा। तो मनोज जी ऐसा करें और मैडम जी तो आपका आशीर्वाद रहे तो मनोज जी और अच्छा कार्य करेंगे, सबका प्यार आशीर्वाद बना रहे। और मैं तो उनके साथ सदैव हूँ, मेरे भाई तुल्य हैं और मैं बहुत बहुत फिर आभार प्रकट करता हूँ। जब सभी का सहयोग होता है, सभी का सहयोग होता है तो ही इतना बड़ा आयोजन हो पाता है। अकेले मैं नहीं करता, मैं तो दिखता हूँ, बट जो आर्टिस्ट जिन्होंने महीनों महीने में पेंटिंग बनाया तो असली क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। और राजेश भाई का भी मुझे सहयोग मिलता है, उनकी एक मैगजीन है, इनका संस्था इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि करीबन एक साल पहले मैं कोई एग्जीबिशन कर रहा था तो इन्होंने मुझसे अकाउंट नंबर मांगा, उन्होंने मुझे कुछ सपोर्ट किया बिना बोले बिना कुछ करे। तो ये चीज़ें हरीश भाई को बड़ा बनाता है। तो ऐसे सहयोगी भी हैं जो कदम आगे, ये मेरी माँ को इनके बिना हम चल नहीं सकते। मेरा आशीर्वाद है इनके साथ हमेशा। और मैं बोलते हैं ना कि माँ बाप का आशीर्वाद तो भगवान से भी टाला नहीं जाता है, बस वैसी बात है कि खूब आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात है बस मैं इनको हमेशा दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि खूब आगे बढ़ो आप। हाँ सबसे बड़ी बात है। थैंक यू।